आप सबका स्वागत है हमारे सेकेंड वीडियो में यूट्यूब चैनल का। और अभी मैं निकला हूँ अपने एकोमोडेशन के बाहर। आप देख सकते हो मैं रोड पे खड़ा हूँ, मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। एंड मुझे यहाँ से एक नंबर की बस पकड़नी है मसीना सेंट्रल में जाने के लिए, जहाँ से मैं कुछ शॉपिंग करूँगा और सिम कार्ड लूँगा। एंड अभी मैं बस का वेट कर रहा हूँ। बस आने में ऑलमोस्ट 15-20 मिनट है, तो हमने सोचा है मेरे और मेरे दोस्त लोगों ने कि हम चलते हैं, थोड़ा बीच साइड घूम लेते हैं, फिर बस पकड़ लेंगे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ इटालियन बीचेस, इटालियन रोड्स, इटालियन हाउसेस, क्या उनकी पैटर्न है, कैसी है, सब चीज़ वॉक करती है। तो मैं अभी आपको, मैं अपना कैमरा फ्लिप करके सारी चीज़ों का मैं आपको देता हूँ। अभी मैं आपको ले चलता हूँ बीच के साइड। एक्चुअली क्या है ना, मैंने आपको बताया इटली की रूल है, इटली में आप रोड क्रॉस करो तो जेब्रा क्रॉसिंग से करो। एंड आप कोई भी गाड़ी आ रही है, कुछ आ रही है, तो आप उसको ईजिली वो लोग रुक जाते हैं आपके लिए, वो जाएंगे नहीं। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा, मैं खुद जेब्रा क्रॉसिंग करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हो सामने की पूरी ये वाइब्स। एंड ये देखो शायद ये मर्सिडीज़ बेंज यू वाली है, पता नहीं कौन सी कार है यार। इतनी में एक चीज़ बात है, फरारी वरारी खूब रखते हैं लोग। जैसे मैं अभी जेब्रा क्रॉसिंग थी एंड कुछ कार आ रही है, देखो आप वो रुक गए। तो यहाँ की एक तरह से एक जो है रूल है। और मैं अभी आ गया हूँ बीच साइड के लिए। आप देख सकते हो shoes and there are some people who are playing with their family, football khel rahe hain uncle, unki yahan pe shayad wife baithi hai niche mein। and then ye puri vibes hai ye beach ki, aap dekh sakte ho। and ye hamari samne wali accommodation hai and wo hamari owner ki accommodation hai। and wahan pe ye rahe hamare Uwais janab aur udhar hai hamare Asad bhai jo wahan pe baat kar rahe hain kisi se। और अभी पूरी है रोड से थीम। आप देख रहे हो यहाँ की एक चीज़ है, यहाँ पे पार्किंग एरिया कहीं फिक्स नहीं होती। आप देख सकते हो इटली में सारे लोग जो होते हैं ना अपनी कार्स वो रोड पे ही पार्क करते हैं। आप देख लो पूरी लोग यहाँ पे पार्क करते हैं ऐसे ही, कुछ यहाँ पे पार्किंग सिस्टम्स नहीं होती हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूँ यार, इटली में यार काफ़ी ब्रांडेड मतलब कार रखते हैं यार। कल हमने देखा कुछ कारें, मतलब हमने इंडिया में देखा ही नहीं था। ऑब्वियसली बात है डेवलप नेशन है। एंड आप देख सकते हो पूरे पीछे की वाइब्स, लोग सर्फिंग कर रहे हैं, ये बीच साइड है। एंड अभी मैं बीच के साइड भी जाऊंगा थोड़ा देर के लिए। वो असद भाई किसी से बात कर रहे हैं ज़रूरी, जब आते हैं तो हम नीचे चलते हैं ऐसे घूम के देखते हैं, फिर हम हमारी बस आएगी एक नंबर, फिर हम निकलेंगे आगे के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि यार देखो इटली में क्या है ना, अभी है सेप्टेम्बर, तो अभी ऑलमोस्ट विंटर्स चालू होने वाली है। बट यहाँ पर आप टी शर्ट में घूम सकते हो, जैसे मैं खुद अभी टी शर्ट में निकला हूँ, आप देख सकते हो। बट दिक्कत क्या है कि जैसे शाम होती है यहाँ पे काफ़ी सारी कोल्ड आने लगती है, काफ़ी सारी कोल्ड हवा ठंडी आने लगती है, फिर आप इधर सर्वाइव नहीं कर पाओगे टी शर्ट पे। तो जो भी लोग इटली आना चाहते हैं घूमने, जो भी अगले साल के एक्सपीरियंस, जो भी स्टूडेंट्स हैं आने चाहते हैं नेक्स्ट इनटेक के लिए, जो इस साल भी आने वाले जो मेरे ब्लॉग्स देखेंगे, वो ध्यान रखें कि जब भी आप इधर आओ तो स्पेशली आप अगर आप सिसली या फिर सार्डिनिया या फिर आप कोई भी कोस्टल रीजन्स में पढ़ने जाते हो तो आओ, आप यहाँ पे ठहरो, कोई इशू नहीं है, रहो। बट ध्यान रखो कि कि आपको थोड़ी बहुत इटालियन आनी चाहिए। जैसे कि कल क्या सीन हुआ, हम जब वैसे एकोमोडेशन में, आपको बता रहा हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस, दोनों को इटालियन उतनी नहीं आती है और मेरी भी इटालियन इनसे उतनी अच्छी नहीं है, इन्हीं के बराबर है थोड़ा बहुत। लेकिन यह मेरे को था, मैं उनके बातों को नहीं होता, हाँ वाइब्स मिल रहे थे हमारे, वो बात कर रहे थे जो हमारे ओनर थे, तो उन्होंने मेरे से साइन करवाया, मेरे से पासपोर्ट नंबर लिया, इनका भी लिया, बात किया। तो जहाँ पे मुझे समझ आती थी मैं बोल देता था उनको बोल देता था इटालियन में, जहाँ नहीं आती थी सिंपल सी एक चीज़ यूज़ करना, पहले दिन का मैं बता रहा हूँ आने के बाद। देखो अपने क्या है कि अपने को पता है, अपने सब मैनेज कर लेंगे, अपने को सारा चीज़ पता है, बट उनको एक सिंपल सी चीज़ बताना, कपीतो मिस होता है, ओके आई गॉट इट अंडरस्टैंड, ये बोल देना कपीतो सिनोरा, कपीतो ममा, कपीतो सिनोरा, ऐसे बोल दो बस। कपीतो इन द सेंस इसको बोलते हैं, ओके आई गॉट सो, आई गॉट मैम, बोल दो काफ़ी है, इससे निकल जाती है काम। मैंने कल देखा भाई, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आप सबको। और देखो इटली आने के बाद एक और चीज़ का ध्यान रखो कि ये काफ़ी यहाँ पे ऐसा नहीं है, लोगों का मिथ है कि इटालियंस काफ़ी रूड होते हैं, तो इटालियंस अच्छे होते हैं, लेकिन आप भी उनके साथ अच्छे बनो देखो। क्योंकि देखो यार सिंपल सी चीज़ है, जब आप सामने वालों की इज्जत नहीं दोगे वो नहीं देंगे। मेरा क्या है कि मैंने कल आया और हमने शाम को कुछ गया था, कुछ काम था हमें खाने पीने, तो हमने क्या किया कि हमने उनसे बात की और काफ़ी उनको रिस्पेक्ट दिया, उधर से बहुत रिस्पेक्ट मिली यार, उन्होंने बहुत हेल्प किया। इवन एक कपल थे जो हमको कल बस में मिले,
वो हम लोगों को हमारे जो प्रिफर्ड रेस्टोरेंट थे वहाँ छोड़ के भी आए थे। हमको आइडिया नहीं था कहाँ पे है, हमने उनसे हेल्प मांगा और उन्होंने हमको छोड़ के वहाँ पे आए। आप देख सकते हो और कितनी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे। तो यार यही बात है इटली की, सबसे अच्छी जो बात है इटली की वही है कि यार यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी आप देख सकते हो पूरा पीछे। तो अब हम लोग अभी जा रहे हैं बीच के तरफ, बीच साइड के तरफ। आगे से एंट्रेंस है और मैं हूँ, मेरे साथ भवैश है जो कि से बात कर रहा हो। देखो मैं अभी क्या चाहता हूँ ना कि इस आपको बीच, तो बीच का व्यू हाइक नीचे से जो भी होगा बीच का सीन सब दिखाऊंगा सॉरी। बट यू नो मैं आपको अपना पर्सनल थोड़ा सा एक जर्नी का एक छोटा सा एक होता है ना समरी दे देता हूँ। देखो यार मेरा क्या ना, मैंने अपनी जो इटालियन जर्नी थी वो स्टार्ट की थी। एंड पहले तो सॉरी यार मेरी कैमरा हिल रही है क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे। तो सीन क्या है कि मैंने जो अपनी इटालियन जर्नी स्टार्ट की थी यार, वो मैंने की थी यूके से ना जाने पाने, यूके से मतलब एक इनकम ऑफ पर्सनल रिजेक्शन आने के बाद। सीन क्या हुआ था कि मेरे यूके में एडमिशन हो गई थी जनवरी फरवरी में, बट मेरे पास यू नो वहाँ पे काफ़ी सारी फीस होती है। एम्बुलेंस आ रही थी, इतनी आवाज़ दे गई, मैं रुक गया था। देखो क्या हो जाता है ना, मुझे वहाँ पे काफ़ी सारी फीस होती है, वहाँ पे करना, मैंने फी तो अरेंज संभव कर लिया था लेकिन लिविंग एक्सपेंसेस के लिए मेरे पास प्रूफ्स नहीं बचे कि मैं उनको दिखा पाऊँगा। तो इसकी वजह से मुझे एक छोटा सा इन काइंड ऑफ यू नो पर्सनल रिजेक्शन मैं मानता हूँ फेस करना पड़ा। बट यह चलता है, फिर इटली का सब सीन सेट हुआ और मैं उसमें भी वीडियो बनाऊंगा कि मैंने क्यों इटली चुना, वाई आई हैव चूजन इटली, वाई आई एम हियर टू स्टडी यू नो माई प्रेफर्ड कोर्स एंड वाई इटली। बेसिकली देखो एक तो जनरल ओवरव्यू होता है कि एक पर्सनल ओवरव्यू होता है जनरल, तो मैं दोनों देना चाहूँगा। एंड अभी हम आ गए बीच के साइड में और ये मैं पहली दफ़ा आ रहा हूँ किसी भी बीच पे यार। सीरियसली टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैव नेवर बीन टू एनी बीचेस, बट राइट नाउ आई एम एट अ बीच इटली एंड यू नो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मैं आपको अभी पूरा पूरा लुक देता हूँ, आप देख सकते हो, ये पूरा आप देख सकते हो। एक्चुअली मैं क्या उसमें शूज़ में आ चुका हूँ और यहाँ पे पूरी रेत है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है और ये पूरी जो है ये देख सकते हो पूरी हवा तेज़ चल रही है और पूरा यार वो सीन है यार, वो पानी ऊनी बहुत तेज बज रही है एंड कुछ लोग यहाँ पे सो ही रहे हैं मेरे पीछे। एंड आप देख सकते हो मैं अभी हूँ बीच पे। एंड यहाँ की बीचेस की सबसे खास बात क्या है ना कि पानी काफ़ी साफ है यार, बहुत साफ है। अपने यहाँ क्या है ना कि पानी में प्रदूषण भी है, लोग फेंक देते हैं कचरे, यहाँ पे साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। आप देख सकते हो पानी कितना साफ ही है, आप देखो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ वीडियो के थ्रू कि इनकी पानी कितनी क्लीन है। इंडिया में या फिर पाकिस्तान में जो भी बीचेज यार काफ़ी गंदे लोग कर चुके हैं वहाँ के जो भी नेटिव्स है अपने, जो कि अच्छी बात नहीं है। बट यहाँ के पानी देख लो, यहाँ के व्यूज़ देख लो, यहाँ पे जो भी लोग ये शॉपिंग्स कर रहे हैं साइड में एंड देन आफ्टर वो है मेसिना सेंट्रल है एंड उस साइड जाएंगे हम। देखो इधर मेसिना आती है और जो उधर की आप साइड देख रहे हो वो सारी रिगो कैलवेरिया है, रिगो कैलवेरिया सॉरी सॉरी इटालियन जो नेम्स होती है यार थोड़ी सी यू नो इंट्रिकेटिंग होती है, थोड़ी लेने में दिक्कत होती है। बट ये आप देख सकते हो और यहाँ पे सामने देखो ये यहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं जनाब इटालियन एंड पूरी याचेस चलती हैं, बोट्स चलती हैं एंड देयर इज़ वन मैन हु इज़ सिटिंग यू नो देयर, वो भी अपना इन्जॉयमेंट कर रहे हैं, फील ले रहे हैं। एंड आपको आगे का भी कुछ दिखाते हैं यार, रेत पे चलने में बहुत दिक्कत होती है। बट हाँ आप देख सकते हो पीछे हमारे वसत भाई अभी भी लगे हैं, पता नहीं किससे बात कर रहे हैं, शायद उनकी किसी क्लासमेट का फ़ोन आया है। बट कोई ना, खाता हूँ पूरे एरिया इधर का घूम के कैसा है सब सीन बीच पे। क्या है ना यहाँ पे चलने मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, हवाएं भी तेज़ हैं और यहाँ पे पूरी रेत और मैं आगे शूज़ में मुझे चलना बन नहीं रहा है। सो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि आपको अभी जितना अच्छा अच्छा चीज़ हो यहाँ से मैं दे सकूँ यार। वीडियो थोड़ी हिल जा रही होंगी आई नो, बट बिकॉज ऑफ यू नो विंड एंड और कहीं ना कहीं ये मेरी एक प्रोफेशनल यूट्यूबर बनने की जर्नी स्टार्ट की है मैंने, ये भी रीज़न हो सकती है। बट यार बहुत कुछ सीखता है आदमी, यू नो लर्निंग इज़ ऑल अबाउट टाइम टेकन यू नो लर्निंग। देखो क्या लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस जो टाइम लेती है और शायद मेरी भी ये जो एक यूट्यूबर की जो एक जर्नी स्टार्ट की है मैंने ये टाइम ले। बट अभी देखते हैं कि अभी क्या सीन सेट होता है कि हमारी बसेज आने में बहुत देर, अभी ऑलमोस्ट 20-25 मिनट है। सो अभी हम बीच साइड है, आपको मैं आगे का भी कुछ न्यूज़ देता हूँ ले चल के।
जस्ट वेट, आई एम फ्लिपिंग माई कैमरा और मेरे पीछे देखो आ रहे हैं वैश। देखो मैं आपको आगे ले चलते दिखा रहा हूँ, मैं दिखा सकता हूँ कितना ये दिक्कत हो रहा है इधर चलने में। सीरियसली बहुत ज़्यादा ट्रबल मैं फेस कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या हो रही है, मेरी पैर जो है वो सही से चल नहीं पा रही है। आप देख सकते हैं आगे पूरे रेत है और पानी। बता दूं मैं यार, जो देखो मसीना का आपको सिस्टम है समझाता हूँ यार। देखो यहाँ की जो सिस्टम है, मैंने लोकल से पूछा और कुछ है स्टूडेंट, उन्होंने बताया पानी क्लाइमेट तो अभी देखो 18-17 डिग्री सेल्सियस अभी टेम्परेचर है यहाँ की, बट पानी की जो टेम्परेचर है ना वो 2 और 3 डिग्री सेल्सियस है। तो सोच सकते हो आप कितनी ठंडी है पानी। और मैं अभी पूरा एकदम कोस्ट लाइन पे ही खड़ा हूँ बीच पे, एंड मैं कोशिश करता हूँ पानी टेस्ट करके देखूँ कितना ठंडा है। मैं तो अभी तक कुछ पानी कहाँ का काफ़ी ठंडी पानी है यार, सीरियसली पानी काफ़ी ठंडी है। एंड यहीं पर भी इस ब्लॉक को रोकते हैं, फिर मैं आगे जो निकलूँगा सुपर मार्ट की तरफ तो मैं बनाता हूँ, क्योंकि ऐसे में बनाऊँ तो काफ़ी बड़ा ब्लॉग हो जाएगा और मुझे यहाँ के रोज़ ब्लॉग्स बनाने यार, ऐसे कोशिश भी तो आपको बहुत देखने को मिलेगी। तो थोड़ा मुझे अभी बसेस लेने जानी है, तो फिर आपसे मैं मिलता हूँ। मैं सुपर मार्ट जाने वाला हूँ, मैं कोशिश करूँगा वहाँ अगर परमिशन मिले तो मैं बोल के ब्लॉग बनाऊँ, बट समहाउ इधर मिलती नहीं है यार। कल मैं एमटी गया था, मेरी मसीना में एक स्टोर है, मसीना डिपार्टमेंटल स्टोर, तो वहाँ पे भी यही सीन हुई, यू नो परमिशन नहीं थी। आप वीडियोस बना लो, आप ऐसे बोल के नहीं बना सकते हो। सो मैं कोशिश करता हूँ जैसे भी हो कुछ करके मैं बनाऊँ वीडियोज़ आप लोगों तक लाऊँ। बाकी मिलते हैं आगे आगे के वीडियोज़ में।